नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां मोहला महल सराय निवासी युवक का शव मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में पानी में उतराता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल आपको बता दें, धामपुर के मोहला महल सराय निवासी असलम पुत्र शौकत अली बीते 15 सालों से मुंबई के डोंगरी में रहकर सैलून की दुकान चलाता था। असलम की शादी 10 साल पहले नजीबाबाद में हुई थी। असलम 2 दिन से लापता था, जिसके बाद आज सुबह उसका शव पानी में उतराता मिला। सूचना पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजन महाराष्ट्र के मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। मृतक के पिता ने बताया कि मेरा बेटा असलम करीब 15 सालों से मुंबई के डोंगरी में सैलून की दुकान चलाता था। मेरे बेटे की करीब 10 साल पहले नजीबाबाद में शादी हुई थी और उसके एक बेटी भी है। 2 साल पहले वो धामपुर आया था। उन्होंने बताया कि वह 2 दिन से लापता था और आज सुबह उसकी मौत की सूचना हमें मिली है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो शव मिला है क्या लगता है आपका? बेटा। कैसे पता लगा आपको? हमारे पास सूचना मिली। कितने साल से रहते हैं वो? मुंबई जी। मुंबई को हो गए 10-15 साल और जाती हो गए। तो यहाँ से कौन रवाना हुआ है? यहाँ से कोई नहीं गया अभी। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।